नमस्कार दोस्तों, स्वागत है रूट्स ऑफ हिमालयाज में। सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहता हूँ आप लोगों के सपोर्ट के लिए। 200 से अब सब्सक्राइबर्स हो गए हैं हमारे इस चैनल पे। तो आज हमारा काम है आपको कुछ एक ऐसी जगह ले जाना, जिस गुम्पे का नाम है वैसे योर्दम गुम्पा, और उस गुम्पे की एक स्टोरी है। तो आज हम आपको वहाँ पे ले जाएंगे, और उस जगह का नाम है बिलिंग। केलोंग से लगभग 2 किलोमीटर पीछे बिलिंग जगह पड़ता है। उसी के साथ HRTC वर्कशॉप के ऊपर पहाड़ों पे वो जगह है जहाँ की स्टोरी आपको आज हम बताएंगे। YouTube में बने रहिए और इस वीडियो को शेयर, लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। इधर चल, सेकंड 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 सेकंड, गुड बॉय। तो ये है अपनी मदर, चले हैं खेत की ओर। और ये है अपने भाई साहब, ये है अपना दीपक, ये भी मदर के साथ खेत की ओर जा रहा है। तो आज मौसम कुछ ऐसा है, देख सकते हैं आप लोग। तो चलते हैं अब हम अपनी धनों की ओर। बेचारी धनों, कितने दिन से साफ नहीं किया है। ये रही अपनी धनों। तो अब हम आपको मिलेंगे सीधे बिलिंग। तो बाय बाय। भाई लोग, ये अपना लेडी ऑफ केलोंग। तो ये गांव देख रहे हैं, ये अपना कारदंग और ये अपनी केलोंग सिटी। तो ऊपर ऊपर आपको गोम्पे भी नज़र आएंगे, 2-3 गोम्पे हैं वहाँ पे। वहाँ की वीडियो भी आपको मिल जाएगी कुछ टाइम पे। तो हमारी डेस्टिनेशन है वहाँ पे, एक यहाँ यहाँ पे जाएंगे हम, यहाँ से यहाँ। तो अब हम पहुँच चुके हैं बिलिंग। वो है अपने बुआ जी और ये है मामा जी। हेलो करो। हेलो, हाय। तो भाई लोग, ये थे अपने बुआ जी और मामा जी। तो ये कर रहे थे अपना काम। तो अब मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे कुछ व्यूज, तो बने रहिए वीडियो के साथ। ये है वो गुम्पा जहाँ पे हमें जाना है आज। तो आज हम आपको ये सारे वीडियो पे कवर करके दिखाएंगे। तो सबसे पहले हमें वर्कशॉप जाना पड़ेगा, वहाँ से होते हुए इन पहाड़ों के ऊपर से रास्ता रास्ता होके हमें वहाँ जाना है। तो स्टोरी हुई इस गांव से स्टार्ट, और इस जगह का नाम है गोजंग। ऐसा कहा जाता है कि ग्यालबो गेसंग जी बहुत ही ज्ञानी पुरुष थे, और जहाँ भी जाते थे उड़कर जाते थे। तो जब उन्होंने वहाँ से फ्लाइट किया तो फर्स्ट कदम गोजंग में और सेकंड कदम बिलिंग में, और जो अंतिम लास्ट कदम लिया उन्होंने वो है योर्दम गोम्पा के ऊपर। तो देख सकते हैं आप लोग वीडियो में। तो आप लोग इमेजिन कर सकते हैं तो उस टाइम की बात, अभी अब जब हम सोचते हैं तो वो कैसी रही होगी।
तो फिर फुटप्रिंट कवर करने के बाद अब हम चल पड़े हैं योर्दन गुम्पा की ओर। तो वीडियो के साथ बने रहिए। तो ये है अपना HRTC वर्कशॉप। तो भाई इन रास्तों पे इतनी शांति मिलेगी आपको। तो यहाँ पे छोटी छोटी गुफाएं देख सकते हैं आप पहाड़ों के नीचे। तो भाई ऐसे शांति वाले जगह चलने का मजा ही कुछ और है। लाहौल की बोली में इसे शुरबुट कहते हैं, तो इंग्लिश में इसे जुनीपर भी कहते हैं। तो आप लोग देख सकते हैं, तो इस पेड़ पे सिक्के भी गड़ाए हुए हैं लोगों ने। तो ये विश ग्रांटेड ट्री है, ऐसा लोगों का मानना है यहाँ के लोगों का। तो ये है जुनीपर पेड़ की पत्तियाँ। तो जब देवी देवताओं की पूजा की जाती है तो इस जुनीपर की पत्तियों का यहाँ पे यूज़ किया जाता है। तो ये है अपने 18 नाग देवता जी का स्थान। हम यहाँ पे नहीं जाएंगे, सीधे गुम्पे को कवर करेंगे। तो गर्मी बहुत लग रही है, जैकेट भी उतार के गर्दन पे डाल दिया है मैंने। तो चलो मिलते हैं। तो ये है योर्दन गुम्पे की पहाड़ियाँ। अभी हम सड़क के लेवल से काफी ऊपर आ चुके हैं। तो ये जगह इस टाइम जन्नत से कम नहीं है। भाई पैदल चलते चलते लगी है शरीर में गर्मी। इसी के साथ पहुंच चुके हैं हम योर्दन गुम्पा। तो आप लोग देख सकते हैं पहाड़ के नीचे बनाया गया है ये गुम्पा। तो अब हम पिएंगे पानी।
जैसा कि आप लोग देख सकते हैं लेफ्ट कॉर्नर पे जो ये छेद जैसा दिखाई दे रहा है वो है अपने गेलबो ग्याछांग जी का कप जिसमें वो मद्यपान करते थे, और ये है जो गुस्से में आके उन्होंने लकड़ी फेंका और वो आके सीधे उस पहाड़ पे, ऐसा कहा जाता है कि बहुत ही गुस्से वाले थे वो लामा जी। तो ये है गेलबो ग्याछांग जी के पैरों के निशान, तो आप लोग देख सकते हैं। तो ये है अपने गेलबो ग्याछांग जी के शरीर के निशान, आप लोग देख सकते हैं इस वीडियो में। तो वीडियो शूट करने के बाद पहुंचे हैं अब हम बिलिंग, तो हमें जाना है अब यहाँ पे मेमे जी के पास। तो मैं अब हम पहुंच चुके हैं यहाँ पे मेमे के पास गोम्पा में, और अब हम मेमे से मिलेंगे और बाकी की जितनी भी स्टोरी आपको गेलबो ग्याछांग जी मेमे के बारे में मिलेगी वो आपको हम बताएंगे। तो वीडियो में बनी रहिए। जो योटो गुम्पा का जो केव है, गुफा है, जो ऐसा मतलब वो है, बताते हैं कि पहले हमारे गुरुओं ने ऐसा बताया था, गेलबो ग्याछांग जो है तिब्बत से आए थे, जो योगी थे हमारे द्रुपद कई सेक्ट के, तो उनका जो है जो केव में मेडिटेशन का जो है वो विंटर में योटो गुम्पा में उनका मेडिटेशन का वो होता था, समर में लामा गोम्पा, गुरु घंटाल, सिंधा गोम्पा और कोक्सर गोम्पे में। अच्छा, वो जो इतने मतलब विद्वान योगी थे वो हमेशा उड़ के ही चलते थे। अच्छा हाँ, जो आप लोगों ने देखा होगा उनका जो योटो गोम्पा केप के ऊपर जो पहाड़ों में उनका जो फूट का मतलब पेड़ का निशान है, होता है, जिस्म का निशान होता है, उनके कप का निशान होता है, ऐसा मान्यता है। जब वो लामा गोम्पा में बैठे थे तो वहाँ पर खाना बनाते समय लकड़ी का जो एक लकड़ी जो जल रहा था वो उसमें थोड़ा धुआं आ रहा था, तो वो धुआं लकड़ी जो फेंक के यहाँ पर योटो गोम्पा में पहुँचा, वो लकड़ी भी अभी जो सिरा उसका जला हुआ काला इस तरह से है। अच्छा। इस तरह से है वो उनके बाद जो है यहाँ पर डुबा गई सेक्ट का वो जो ये। जब वो सिल्ला गुम्पा में थे मेडिटेशन में, जो गोंदला का वो जो है वो जो महल है पैलेस जो है वहाँ पर जो उनके वो जो एक लेडी रहती थी वो कहते हैं वो है देवी है, परी हम खंडोमा बोलते हैं हमारे उसमें, तो जब वो बर्फ़ फेंक रही थी तो उसका जो बर्फ़ फेंकने का जो हम जो वाल बोलते हैं वो छूट गया, तो वो जो है वहीं से हाथ नीचे को डालती उसने ऊपर को दोबारा से वो पकड़ के लाया बोला। अच्छा, वो ले तीन मंजिल से ज़्यादा जो है उसका हाइट है। अच्छा, तो ऐसा मान्यता है कि जब वो वहाँ से उड़ के आए वो भास बन के आए, जैसे यहाँ वहाँ पहुँचे वो जो देवी जो है वो भी कबूतर बन गई।
अच्छा हाँ, ऐसा मान्यता है इस तरह से बताने का। फिर वहाँ से उसको बगाया के लाया कहते हैं, तो फिर उसको वहाँ ये कारदंग जो है वहाँ पर भी एक गुसंग बका वो है, वहाँ पर दोनों वहाँ उसमें फिर पत्थर के अंदर वो समा गया बोला इस तरह से। अच्छा जी, तो लामा गोम्बा से यहाँ निकले थे तो उनका एक लामा गोम्बा से फुल प्रिंट वहाँ ग्वाजन के गांव के पास एक प्रिंट वहाँ पर है उनका, वहाँ से उसके बाद जो है यहाँ हमारे बिलिंग गांव के जो वो खेती खेत जो है वहाँ पर है, वहाँ से फिर वो ऊपर सीधा गोम्बे के वहाँ केव में उड़ के निकले थे जिस तरह से। ये सारा अभी उसमें आपको मतलब प्रैक्टिकली उनका फुट प्रिंट सब मिल जाएगा इस तरह का। ठीक है मेवी जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो वीडियो में बने रहने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। हंसते रहिए, खेलते रहिए और खुश रहिए।